नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरो थेरेपिस्ट। अगर आपके बच्चे की नक्सीर छूट जाती है, नोज ब्लीडिंग होती है, नाक से खून आता है, बहुत जल्दी जल्दी आता है, बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे को जब भी मौसम बदलता है नक्सीर छूट जाती है, यानी कि नाक से लगातार ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बड़े लोग हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं, या बच्चा है उनके घर में और उसको ये समस्या हुई है तो आप उसको बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नाक बंद कर लेनी है और मुंह से सांस लेना शुरू करना है, यानी कि ऐसा लगभग 1.5 से 2 मिनट करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो नक्सीर छूट गई है, आपको नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है वो तुरंत बंद हो जाती है। चाहे बड़ों में ऐसा होता है या बच्चों में ऐसा होता है, अगर बच्चे का है तो पेरेंट्स कर सकते हैं उसको, ऐसा उसको बता सकते हैं, और बड़े हैं वो तो खुद भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि तुरंत ब्लड बंद हो गया। और उसके बाद एक बात का ध्यान रखना है, फिर हमें नाक से सांस कुछ देर तक नहीं लेनी। ऐसा नहीं है कि फिर मैं नाक का यूज करूं ज्यादा या करके देखूं बह रहा है नहीं बह रहा, नहीं तो वो वापस हो जाएगा। जब कुछ देर तक ऐसा रहता है तो हमारी बॉडी का सिस्टम है कि जो ब्लड नाक से बह रहा है वो बहना बंद हो जाता है, बिल्कुल नहीं बहने वाला। आप ये काम करें, और आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट और साथ में सिखाता हूं। अगर आप ये ला नाक बंद करके मुंह से सांस लेते और ये पॉइंट साथ में करेंगे तो आपको जो नक्सीर की समस्या बार बार होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और अगर हो गई है तो उसमें तुरंत आपको आराम मिलता है। तो देखते हैं कैसे करें हम इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, और यहाँ एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, और हमें अपने हाथ की मदद से उसे घिसना है। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर अब इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर दोबारा से ये पूरा एक हमारा सेट हो गया। उसके बाद दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देना है। और उसके बाद हमें गले पे ये पॉइंट देना है, यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है। देखेंगे देने का तरीका, हाथ दोनों इस प्रकार से रखने हैं और ये 2 = 1 देना है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट। दोस्तों, अभी आपने देखा नोज ब्लीडिंग नक्सीर के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, एक बहुत अच्छी जानकारी। आप ये प्रयोग करें और आप देखेंगे कि अगर ये समस्या आपको हुई है या आपके बच्चों को होती है, और करने के तुरंत बाद ब्लीडिंग जो हो रही है वो बंद हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, करते समय जैसे मैंने बताया, अगर आपने नाक बंद की मुंह से सांस लिया तो फिर उसके बाद चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दोबारा शुरू हो सकता है, कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाएगा। और ये ट्रीटमेंट आपने सीख ही लिया तो आप ये करें, और जिसको भी ये समस्या हुई है और उसको तुरंत आराम दिलाएं। कई बार ऐसा होता है कि नक्सीर छूट गई, कोई डॉक्टर साथ में नहीं है, डॉक्टर पास में नहीं है, तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो ये एक घरेलू नुस्खा है, एक छोटा सा ट्रीटमेंट, और आपके बच्चे की समस्या है या आपकी खुद की समस्या है तो उसका समाधान अब आपके हाथ में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।